बच बारस को गौवत्स द्वादशी, बच दुआ बछवास, ओग द्वास बलि द्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद द्वादशी को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। बच यानी बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गाय व बछड़े का महत्व समझना है। कृष्ण भगवान को गाय व बछड़ा बहुत प्रिय था तथा गाय में सैकड़ों देवताओं का वास माना जाता है। गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का, गाय में निवास करने वाले देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए व परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करते। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोट, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़े, भजिए आदि तथा मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। बच बारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजरने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। आइए अब बच बारस की पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने, दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी में नहलाकर शुद्ध करें। गाय और बछड़े को नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक करें। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, चने के बीरवे, मटर, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूल से खुद का तिलक लगाएं। इसके बाद बच बारस की कहानी सुनें। इस प्रकार गाय और बछड़े का पूजन करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर, उसे नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और कुशलता की कामना करें। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं है तो दूसरे के यहाँ भी गाय और बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं हो तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धूप, दीप, चंदन और नवेद आदि से करें। आइए अब बच बारस में पढ़ी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी।
तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चे से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बचबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं है। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चल गया तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। ऐसी ही सुंदर कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज की ये कथा आपको कैसी लगी, नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।